नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 नेटवर्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आप देख रहे हैं हमें, मैं हूं अपर्णा मौजम, मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत कटारे और हम बात कर रहे हैं आज यहां पर मोदी मैजिक और कटघरे में ईवीएम की। मोदी मैजिक क्यों? क्योंकि हरियाणा में जो रिजल्ट आया उससे ना सिर्फ कांग्रेस ही हैरान रह गए बल्कि हरियाणा बीजेपी के कई नेता भी हैरान रह गए, क्योंकि वो उनके लिए भी अप्रत्याशित था। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर एक बात मजबूती के साथ कही जाने लगी है कि मोदी मैजिक, नरेंद्र मोदी का जलवा कायम है और आगे भी वो आगे कायम रहने जा रहा है। और जो साथ ही खास तौर पर इसलिए क्योंकि अभी कुछ और राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और हरियाणा के नतीजे उन चुनावों पर भी असर डाल सकते हैं, ये बात राजनीति के जानकार कह रहे हैं, पॉलिटिक्स को समझने वाले कह रहे हैं। लेकिन पहले हम शुरुआत करते हैं उस सवाल की जो हर बार उठता है जब कांग्रेस को उसके मन मुताबिक नतीजा नहीं मिलता है। प्रशांत, ईवीएम सवालों के घेरे में एक बार फिर आ गई है। बिल्कुल, ईवीएम सवालों के घेरे में फिर है और इस बार भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि जब कर्नाटक में आपकी सरकार बनती यानी कांग्रेस की सरकार बनती तब ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठता है? सवाल तब क्यों नहीं उठता है जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनती या ममता बनर्जी पूर्ण बहुमत से आती हैं? सवाल तब क्यों नहीं उठता है जब तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती है? तब सवाल क्यों नहीं उठाए जाते हैं? सवाल तब क्यों नहीं उठाया जाता है जब हिमाचल में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है? सवाल क्यों नहीं उठता है जब आप 100 सीटें आपके इस बार लगभग कांग्रेस लाई थी लोकसभा में, बहुत खुश थी, तब आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? अपने राष्ट्रीय संस्थाओं पर शंका करते हो, देश का चुनाव आयोग हो, कांग्रेस ने देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। कांग्रेस हर बार यही कोशिश करती है कि हमारी संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, उसकी प्रतिष्ठा पर आघात करे। कांग्रेस की यही आदत रही है। कांग्रेस बड़ी बेशर्मी से ऐसी करतूतें करती आ रही है। और प्रशांत, उन 100 सीटों को ऐसे कांग्रेस प्रोजेक्ट कर रही थी कि मानो कि वही सबसे बड़ी पार्टी हो। वो बीजेपी की सीटों को नकार रही थी, वो कह रही थी कि हम सबसे बड़ी पार्टी है, वो खुद को हीरो की तरह दिखा रही थी, राहुल गांधी को भी हीरो की तरह प्रोजेक्ट कर रही थी। लेकिन अब क्योंकि हरियाणा में वैसा नहीं हुआ जैसे की तैयारी थी, जैसी उम्मीद थी, तो अब वो कह रही है ईवीएम सवालों के घेरे में है। देखिए, ईवीएम अभी आपने केवल हरियाणा की बात कर ली, हरियाणा में तमाम चुनावी पंडित अलग बात कर रहे थे, अलग लाइन पर जा रहे थे, लेकिन उन तमाम चुनावी पंडितों को एग्जिट पोल को जनता ने नकार दिया या कहें कि जनता ने गलत साबित कर दिया। बात ईवीएम की फिर आती है। ईवीएम जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, वहाँ पर भी बीजेपी अगर कुछ वाकई होता तो ईवीएम से कुछ कर सकती थी। दूसरा ये कि लोकसभा चुनाव में 240 सीटों पर बीजेपी क्यों अटक गई? जलवा कायम है मोदी का, लेकिन 240 सीटें जो दावा बहुत सारे किए जा रहे थे, 240 सीटों पे लोकसभा चुनाव में बीजेपी आ गई, उससे समझिए आप कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें आधी रह गई। अगर ईवीएम में बीजेपी के पास कुछ वाकई करने का होता तो उत्तर प्रदेश में अपनी सीटें हाफ क्यों करती? और अयोध्या कैसे भूल सकते हैं हम? अयोध्या कैसे हाथ से जाने देती बीजेपी? अयोध्या कैसे हार गई बीजेपी? ये सवाल बहुत अनुचित लगता है जब आप ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। दूसरा, राजस्थान में बहुत सारी सीटों का नुकसान हुआ, हरियाणा में आधी सीटें चली गई थी, आपको याद हो लोकसभा में, वही हरियाणा में जनता ने अपना मन फिर बदला और जनता ने फिर अगर कहें तो बीजेपी के लिए फिर से जनादेश दिया या कहें कि मोदी के चेहरे पर फिर भरोसा किया। दूसरा, मैजिक की बात हम कर लें, जो कांग्रेस कहती है कि 240 सीटों पर बीजेपी अटक गई, दरअसल 240 सीटें जब कांग्रेस अपने तीनों चुनाव का कैलकुलेशन कर ले, 2014, 2019, 2024 तीनों लोकसभा चुनाव का कैलकुलेशन कर ले, तब भी वो 240 नहीं हो रही है। अब आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव पर आ जाइए, लगातार अगर हम कहें तो मोदी का चेहरा लगातार बीजेपी को चुनाव जिताता आ रहा है, यानी मैजिक अभी भी बरकरार है। हाँ, इस बार हरियाणा में रणनीति थोड़ी सी बदली हुई थी अपर्णा, रणनीति ये बदली थी कि इस बार मोदी के चेहरे के साथ साथ जो स्थानीय यानी जो उम्मीदवार था उसका चेहरा भी बड़ा था। ज्ञापन हम पेश कर रहे हैं, अभी अगले 5-7 मिनटों में हम पेश करेंगे, शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ECI हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ECI के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ECI गए थे, हमने शिकायत की और तब ECI ने कार्रवाई की।
तो हम उम्मीद करते हैं कि ECI जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। तो जो लोग EVM पर प्रश्न खड़ा करते थे, लोकतंत्र पर प्रश्न खड़ा करते थे, और बहुत सारे लोग पथराव, आतंकवाद, अलगाववाद, इनको बढ़ावा देते थे, पाकिस्तान की ओर ज़्यादा देखते थे, लेकिन हिंदुस्तान के मतदाताओं ने बार बार ये दिखाया है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर में ये लोकतंत्र की जीत। उनकी पक्ष में नहीं आता है रिजल्ट तो कभी EVM के साथ लड़ाई करते हैं वो, फिर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन डिले। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन के अपने प्रोसीजर हैं। बहुत सारी सीटें थोड़ी थोड़ी वोटर से आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी वोटर से आ रहे हैं, और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं, कहीं बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है, और जिस प्रकार से लोडिंग हुई है, मतलब डिले वो हुई है, उसके हिसाब से भी है। लेकिन नहीं आओ, वो हमारे जो है ICC वाले इलेक्शन कमीशन मिलेंगे, सारी बात कहेंगे। नायब सैनी को भी CM प्रोजेक्ट किया गया था। नायब सैनी का चेहरा भी उसमें लगा था, स्थानीय जो विधायक का उम्मीदवार था उसका चेहरा भी बड़ा नजर आ रहा था। यानी प्रमुखता रणनीति बदली गई है। अगर हम एक दूसरी बात और कहें कि रणनीति के साथ साथ जो टीम है, मोदी शाह की जो टीम है, वो नए प्रयोग करने की, माइक्रो मैनेजमेंट किया गया था। कांग्रेस का फोकस सिर्फ जाट वोट बैंक पर रहा, वो हुड्डा के सहारे रही, जबकि BJP ने जाटों के साथ साथ गैर जाटों को भी सॉलिडेट करने का काम किया है, और जाट बेल्ट में भी BJP ने काम किया है। मोदी मैजिक की बात आपने यहाँ पर की प्रशांत, तो हमें यह भी देखना होगा कि तमाम सर्वेस जो हुए हैं, चाहे कहीं पर BJP से नाराजगी भी रही हो लोगों को, लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे पर नाराजगी नहीं है। नरेंद्र मोदी का चेहरा उनकी पहली पसंद बनता रहा है, तमाम सर्वेस में लोग अपनी पसंद को वोकल होकर जाहिर भी करते रहे हैं, और यही वजह है कि मोदी का चेहरा एक बार फिर बड़ा ब्रांड बनकर उभरा है और उसकी विश्वसनीयता और मजबूत हुई है। अपना राजनीतिक पंडित अपने हिसाब से इसमें विश्लेषण कर सकते हैं, उनका अपना मत हो सकता है, अपना विचार हो सकता है, लेकिन जो बार बार नतीजे कहते हैं, नतीजे तो यही कहते हैं कि भाई मोदी का चेहरा यानी गारंटी, मोदी का वादा यानी गारंटी, यानी अगर मंच से मोदी कह रहे हैं तो जनता भरोसा करती है उस पर, आज भी भरोसा करती है। अब देखिए ना, हरियाणा में यही बात, जब आपने मोदी को सुना होगा तमाम भाषणों में, या कहें कि जब जो रैली कर रहे थे, कि जैसा मध्य प्रदेश में कांग्रेस अति आत्मविश्वास में थी, कांग्रेस को लग रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, ऐसा ही हरियाणा में होने जा रहा है, और वही हुआ भी, हरियाणा में भी वही उसी तरह के नतीजे आए। कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में वहां नजर आ रही थी, लग रहा था ओवर कॉन्फिडेंस भी, और सबका CM बनने की महत्वाकांक्षा भी। रणदीप सुरजेवाला अपना विजन गिनवा रहे थे, कुमारी सैलजा कह रही थी कौन CM नहीं बनना चाहता है, हुड्डा की दावेदारी अलग थी। याद होगा प्रशांत, MP छत्तीसगढ़ में भी हमने यही देखा था, ओवर कॉन्फिडेंस पोस्टर छप गए थे एडवांस में उन्हें बधाई देने के। तो ये साफ होता है कि मोदी का मैजिक बना हुआ है। वाकई मैजिक अभी भी बरकरार है, इसमें कोई शक नहीं, और आने वाले कुछ और चुनाव वो भी बताएंगे कि वाकई ये मैजिक आगे भी बरकरार रहता है या नहीं रहता है, क्योंकि बहुत सारे चुनाव हैं। लेकिन फिर अगर आप EVM पर सवाल उठाएंगे तो ये सवाल बार बार उठेगा कि भाई वो राज्य जहां कांग्रेस की सरकार बनी, क्या वहां पर EVM में गड़बड़ नहीं हो सकती थी? क्या हिमाचल में गड़बड़ नहीं हो सकती थी? हिमाचल में BJP की सरकार थी, कर्नाटक में भी BJP की सरकार थी, BJP की सरकार हटने के बाद कांग्रेस की सरकार आई है। तब आप इस तरह के सवाल उठाते हैं तो थोड़ा सा हल्कापन महसूस होता है। चुनाव आयोग ने भी इस पर जवाब दिया है, जो 99% चार्ज बैटरी चार्ज होने की जो बात कही जा रही है, उसने एक पूरा कैलकुलेशन बताया कि दरअसल ये बैटरी का सिस्टम है क्या, कितना शो ऑफ, कितना शो करती है। हो सकता है कि पूरी वोटिंग के दौरान भी जो EVM की बैटरी है वो 99% चार्ज दिखाए, इस पर सवाल नहीं उठा सकते आप। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया ना कि हर बार आप क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये कहकर खुद को बचा नहीं सकते हैं। पढ़ाई आपको करनी होगी, जमीन पर उतरकर होमवर्क आपको करना ही होगा। बिल्कुल। तो इसी के साथ हमारे साथ फिलहाल इस चर्चा में, संवाद में, बातचीत में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।